तो हम सभी को वेट है सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई का। आप सभी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एचआरडी मिनिस्टर अपनी बात रखने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड अपनी बात रखेगी कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती है, क्यों नहीं कराना चाहती है, ये ध्यान रहे। कुछ भी प्रिडिक्ट अभी ना करें। काफ़ी जगह पर आपको सुनने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, उम्मीद तो यही कि कैंसिल होंगे, पर हो सकता है कि कुछ और अपनी बातें वो रखें। वो क्या चाहते हैं ये हमें आज ही पता चल पाएगा। तो पहले से इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही होंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि पहले से अगर हम ये मान लेंगे और मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाएंगे। तो इसी का ध्यान रखें कि आपके दो बातें हो सकती हैं, एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना सही नहीं होगा, और एग्ज़ाम होना सीबीएसई बोर्ड ये चाहती है कि एग्ज़ाम हो जाए। मिनिस्ट्री क्या चाहती है इस बारे में आज पता चल जाएगा, वो क्या बातें रखती है। दूसरी बात है कि आप सभी को जो अपडेट मिलेगी वो कम्युनिटी पोस्ट में सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने में इससे पहले टाइम लगे, उससे पहले आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिएगा। अगर कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पर आप सभी को अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ आप गूगल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी खबरें मिलती रहेंगी बार बार। ज़रूरी नहीं सिर्फ आपको यूट्यूब पर चेक करना है, और जगह भी जाइए। यूट्यूब पर ज़्यादा से अच्छा है कि आप गूगल पर देखिए, गूगल पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपडेट आ रही है, तो जैसे आपको अपडेट मिलेगी पता चल जाएगा। उम्मीद है कि दोपहर के 2-3 बजे तक फैसला आ जाएगा, सुनवाई हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या डिसीजन लेती है, और ये जो डिसीजन आएगा सिर्फ जेई या नीट या बोर्ड एग्जाम पे नहीं, जितने भी एग्जाम होने वाले उन पर असर डालेगा। इसके एग्जाम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, सब पे कोई ना कोई असर होगा। अगर जनरल पोर्शन होता है तो बाकी यूनिवर्सिटी या बाकी कॉलेजेस भी सोच सकते हैं कि हमें प्रमोशन करना है। तो आई होप को समझ आए। कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, कोई नया नोटिस होता है इस बात करेंगे। थैंक यू।